sorry for that. Please help me. मैंने इसी नाम से ट्विटर है। 80 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल हो चुका है डिलीट। अगर आप लोग भी ये गलती करते हो अपने चैनल पर तो जल्दी से उसको सुधार लो, वरना आपका चैनल भी डिलीट होने वाला है। चाहे आपका 5 साल पुराना चैनल हो, चाहे आपके चैनल पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो, फिर भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अभी योगी जी ने एक वीडियो बनाई है जिस पर उन्होंने 80 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हुआ है उसके बारे में बताया है। अभी आपने जो फर्स्ट में जो वीडियो देखी उस लड़की का ये चैनल था, जिसका यहाँ पर आपको फोटो भी दिख रहा होगा। यहाँ पर इसका चैनल का नाम था मिस आलसी। अब आप लोगों को बताता हूं इसका चैनल डिलीट किस वजह से हुआ। वही गलती आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है। अगर आप लोग वैसी गलती करोगे तो आपका चैनल भी डिलीट हो जाएगा। इन्होंने अपने चैनल पर क्या गलती कर रखी थी? इन्होंने अपने चैनल पर गलती कर रखी थी, दूसरे का कंटेंट उठाती थी और अपने चैनल पर डालती थी, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोगों को अपना एक जेन्युइन चैनल बनाना है तो आपको अपने चैनल पर कोई भी कॉपीराइट मटेरियल नहीं डालना है। चाहे वो वॉइस हो किसी की, चाहे वो किसी की वीडियो हो, आप लोगों को लॉन्ग टाइम पैसा कमाना है इंटरनेट से तो आप लोगों को अपने चैनल पर कुछ भी किसी का भी मटेरियल यूज नहीं करना है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फोटो हो। आप लोगों ने देख लिया इस लड़की को कैसे रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है। इन्होंने YouTube के करियर में 5 साल दिए हैं अपने, 5 साल बता तो रही है रो रो कर कि 5 साल करा है, पर आप लोग सोच सकते हो 5 साल कितना होता है और 80 लाख सब्सक्राइबर कितने होते हैं पता आपको? जो मेहनत करते हैं उन्हीं को पता है 80 लाख सब्सक्राइबर बनाने के लिए कितना मेहनत लगती है। और इसने जो 80 लाख सब्सक्राइबर करे थे वो अपने दम से नहीं करे थे, दूसरे की वीडियो डालकर करे थे। अगर आप अपनी खुद की वीडियो डालकर 80 लाख सब्सक्राइबर करते हो ना तो आपको एक प्राउड फील होता है। और आप लोगों को जब 80 लाख सब्सक्राइबर 80 लाख लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम कितना होगा ये देखिए। इनका नाम हुआ नहीं हुआ, चैनल डिलीट हुआ हो गया। अब योगी जी ने तो इनके ऊपर एक वीडियो बना दी, इसके अलावा अब इनके साथ गलत कौन कर रहा है उनको भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। यहां पर मैंने लिखा मिस आलसी और यहां पर देखो इतनी सारी इनके ऊपर वीडियो बना दी। अच्छी बात है, इनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले, जो नए नए यूट्यूबर हैं उनको भी पता चले कि दूसरे की वीडियो को अगर अपने चैनल पर डालोगे तो स्ट्राइक आएगी 101%। 3 स्ट्राइक आई है इसके चैनल पर और इसका चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ इनके साथ क्या कर रखा लोगों ने। देखो इनका सब ने वीडियो बनाई है कि देखो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रोहित राज मोटिवेशन ने वीडियो बनाई, उसके बाद एक और चैनल है इसने भाई ने भी बनाई है, उसके बाद एक और चैनल है उसने बनाई है, इन्होंने वीडियो डाली। अब इनके नाम पर क्या धोखाधड़ी कर रहे हैं लोग बाग, इनके नाम पर अपना खुद का चैनल लोग बाग खोल खोल कर वहां पर वीडियो डाल रहे हैं कि ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, ये मेरा ओल्ड चैनल है, ये मेरा न्यू चैनल है। अब मुझे नहीं पता ये कि इनका चैनल है या किसी और का। यहाँ पर देखो ओल्ड चैनल डिलीट, प्लीज सपोर्ट न्यू चैनल। अब इनके चैनल पर यहाँ पर एक भी वीडियो नहीं है, 27 सब्सक्राइबर है और हमें नहीं पता कि इनका ये ओरिजिनल चैनल है या इनका ये कोई फ्रॉड चैनल है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आप लोग सर्च करोगे मिस आलसी तो आप लोगों को भी बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए कितने आपको चैनल दिख रहे हैं, 3-4 चैनल हैं। भाई ऐसा मत करो इसके साथ। जो चैनल YouTube ने डिलीट कर दिया अगर उस नाम से आप दोबारा चैनल खोलते हो तो क्या आप सोचते हो उससे पैसा कमा लूंगा? नहीं, आप लोगों के चैनल पर फिर से YouTube नज़र रख रहा है कि उसी नाम से जो चैनल बनेगा उसको मोनेटाइज चैनल नहीं होने वाला है। मत बनाइए उस नाम से, चेंज कर दीजिए। जिनका ये ओरिजिनल कंटेंट था उनको मैं कह रहा हूँ, जिनका ये रियल चैनल है। अब जो ये फेक बना रहे हैं इनका तो काम ही यही है, इनका ये काम ही यही है दूसरे की वीडियो उठाकर दूसरे का कॉपी करना, चैनल का नाम भी वैसे लगाना ओरिजिनल, जो उसका नाम भाई जो चल रहा है उसका अगर आप लोग अपना नाम यूज करते हो तो क्या आप सोचते हो आप ग्रो हो जाओगे? कभी भी ग्रो नहीं होगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, आप लोगों को समझना होगा YouTube, Facebook, Instagram ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। और अगर आप लोग सोचते हो कि मैं दूसरे की वीडियो को डालकर अपने चैनल पर पैसा कमा लूंगा तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप लोग 1 भी रुपया नहीं कमा सकते, 1 भी, लिखवा के ले लो। हर वीडियो में यही बताता हूँ, दूसरे का कंटेंट मत यूज करो। आज जो इनका हाल हो रहा है यही हाल आपका भी होने वाला है एक दिन। अगर आप लोग अपने खुद की वीडियो डालते हो तो
तो आप लोगों का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता YouTube के ऊपर, चाहे वो Facebook हो चाहे वो Instagram हो। आपका खुद का जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, कोई आपके ऊपर ना तो स्ट्राइक दे सकता ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कर सकता। जब आप लोग अपना खुद का वीडियो बनाने लग जाओगे ना, तो ऐसे ऐसे चैनल जो बना रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं, मैं ये फलाना मेरा दिखड़ा ये उसके कॉपी करके नाम जो खोल रहे हैं, ये भाई मत करो इस तरह, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये कहाँ से आते हैं ये लोग, मेरे को तो भाई समझ में नहीं आ रहा ये लोग कहाँ से आते हैं, इनके पास इतना टाइम कहाँ से है कि ये बकवासबाजी करने के लिए यूट्यूब पर आ जाते हैं, दूसरों को ये करते हैं वो करते हैं ऐसे करते हैं। मैं आप लोगों को हर बार यही बताता हूँ, अपनी वीडियो जेन्युइन बनाइए तभी यूट्यूब पर पैसा कमाओगे, अगर नहीं बनाओगे तो भाई आप एक भी रुपया नहीं कमाओगे। चाहे आप किसी भी टेक वाले यूट्यूबर के पास चले जाइए, जो ये चित्ता यूट्यूबर है ना चित्ता, ये सारे आपको यही बताएंगे, फलाने वाले चैनल पर जाइए, चाइना वाले का चैनल पकड़ लो, अमेरिका वाला पकड़ लो, उसकी वीडियो डाल लो, उसकी वॉइस बंद करके उसमें अपनी वॉइस ओवर कर दो, अपनी वॉइस ओवर कर दो। मैं आप लोगों का एग्जांपल देता हूँ, ये वाला देखो, यहाँ पर एक थंबनेल दिख रहा होगा जिस पर लिखा है रोहित राज मोटिवेशन 8 मिलियन सब्सक्राइबर डिलीट। ये जो रोहित है ना रोहित, ये रोहित कोई मिल गया वो वाला रोहित नहीं है, ये दूसरे वाला रोहित है, मोटिवेशन वाला रोहित है दोस्तों ये। इन्होंने भी क्या किया है, ये भी लोगों को लेके आते हैं जो शॉर्ट चैनल बना रखे हैं, जिनका अच्छा चल रहा है पैसे कमा रहे हैं, पर वो पता नहीं है रिक्स है, उनका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। ये भी ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर आप लोगों को मोटिवेशन करते हैं कि दूसरे का वीडियो उठा लीजिए, कहाँ जो वीडियो लाना है मेरे दोस्त, इस तरह की ये बताता है। आप लोगों को इसके बताए अनुसार भी काम नहीं करना है, ये बताता है दूसरे की वीडियो लाओ उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दो, उसकी वॉइस ओवर को बंद कर दो और अपनी वॉइस ओवर डाल लो, तो आप लोग भी अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओगे, एक रुपया भी कमाने नहीं लग जाओगे, कुछ दिन कमाओगे उसके बाद यही हाल हो जाएगा जो इस लड़की का हुआ है। आई होप दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और जिसको दिल पर लगी है भाई हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, निकल जाता है यार, कितनी मेहनत करते हो तुम लोग, कॉपी कर करने में भी बहुत मेहनत लगती है, कहते हैं ना मेहनत करने हैं तो अपनी खुद की करो, कॉपी करी हुई मेहनत बर्बाद जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।